आज हम जो कानिया रामदेव है और सलवारी बाबा जिसे हम कहते हैं उसके खिलाफ़ FIR कराने आए थे। उसका कारण यह था कि उसने जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो बहुजनों के महापुरुष हैं, उनके अपमानित शब्दों के लिए प्रयोग किया। और हमारी जो विचारधारा है, जो बाबा साहब आइडियोलॉजी वाली हमारी विचारधारा जो हमारी चलती है, या पेरियार विचारधारा जो हमारी चलती है, या बुद्धि जो हमारी बुद्धिस्ट जो विचारधारा हमारी चलती है, उसे वो कह रहा वैचारिक आतंकवादी। तो उसके लिए यदि कोई अपने अपनी आवाज़ को उठाता है, ये शूद्र वर्ण से या हम इनकी भाषा में शूद्र वर्ण कहते हैं और हम बहुजनों में से, तो उसके लिए हम वैचारिक आतंकवादी हो जाते हैं। तो उस हरामजादे को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हम अभी FIR अंदर कराने गए थे, बट अभी उन्होंने ज्ञापन लिया है क्योंकि उन्होंने कहा ये DCP रैंक किसकी इंक्वायरी करेगा। तो हमने उनसे पूछा कि जब वो हमें प्रोसेस बता रहे कि एक साल वो कितना टाइम लगेगा कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस, मैंने उनसे पूछा कि एक साल दो साल तीन साल का कितने दिनों के अंदर ये FIR हो जाएगी। सीधी उनसे उसमें थोड़े नाराज भी हुए, मैं नाराज होने की बात नहीं क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस बता रहे थोड़ा था। तो फाइनली उन्होंने कहा मंगलवार तक आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। और हम एक बात बता रहे हैं, बहुजन समाज जब किसी के पीछे पड़ता है ना तो उसकी आते तक निकाल लेता है, और अब उसकी कब्र खोदने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साथ में आपके माध्यम से, आपसे बहुजन मीडिया के साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ जानी चाहिए कि यदि आप बहुजन समाज के व्यक्ति हैं और अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो ये कानिया सलवारी बाबा जो है इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका सड़कों पे बहिष्कार करें। साथ में जिसके घर में हो वो निकाल के बाहर फेंक मारे, क्योंकि रामदेव को अगर असली चोट माननी तो उसे आर्थिक ही चोट माननी पड़ेगी क्योंकि वो व्यापारी बन चुका है, बाबा तो रहा नहीं है वो, तो आर्थिक चोट उसे माननी बहुत ज़रूरी होगी। और इसके खिलाफ़ हम जल्दी हमारी पूरी की पूरी टीम जल्द से जल्द इसके खिलाफ FIR का जो प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा और इसे जेल की सलाखों में हम पहुँचाएंगे चाहे कुछ क्या, भी क्या लगता है पाजी कि बाबा रामदेव के कंधों पर रखकर बंदूक, मैं माफी चाहूँ बाबा रामदेव नहीं सलवारी बाबा जो है, तो कंधे से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सीधी बात कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलने की? अगर हम अम्बेडकर साहब को मानते हैं, हम पेरियार को मानते हैं, फूले की विचारधारा को मानते हैं, तो क्या हम वैचारिक आतंकवादी हो गए? हराम खोर तू जो आज वहाँ बैठा है ना, इन्हीं के विचारों की वजह से पहुँचा है, नहीं तो तेरी औकात नहीं, शूद्र वर्ण का बना बैठा था तू, तुझे तो छूने का भी अधिकार नहीं था किसी चीज को, व्यक्ति को तू जाके पढ़ नहीं सकता, तुझे दिलाने वाले अधिकारी है तू, हराम खोर अपनी औकात भूल गया आज हमारे समाज के लोगों को, वो कह रहा वैचारिक आतंकवादी, तो गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन अब इसकी सीधी बात बता रहे, इसे जेल के ना चक्कर कटवा दिए। तो ये जो बहुजन मीडिया की हम जो बार बार बात करते हैं बहुजन संगठनों की, तो हम लोग अपने महापुरुषों की औलाद नहीं, अगर इसे चक्कर ना कटवा, जैसे आप बात कर रहे हैं लग नहीं रहा कि FIR होगी, उन्होंने कहा मंगलवार तक हम बात बताएंगे, अगर FIR नहीं होती तो क्या कदम उठाओगे? नहीं नहीं, फिर उसके बाद हम सड़कों पर उतरने को तैयार है। लेकिन हमारे अंदर जो बात हुई है, उन्होंने पहले एक DCP ऑफिस में, अरे DCP जो है वो अपनी इसमें क्लियर क्या कहते हैं इसमें मोहर लगाएंगे, उसके बाद ACP के पास जाएगा, ACP के बाद फाइनली FIR होगी। तो समय मांग रहे हैं, तरीका यही है जो बता रहे हैं क्या? वो उसी वही प्रोसेस है क्योंकि अब DCP रैंक का ही व्यक्ति वो करेगा, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, वो कह रहे कि इसमें समय लगे, मैंने इसी बात को तंज के रूप में कहा कि समय कितना लगे, एक साल दो साल तीन साल बता दो कि हमें भी पता, हम वेट कर सकें। तो जब ये चीज़ उन्होंने कहा तो वो एकदम भौचक्के पड़ गए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें सोमवार तक का समय दीजिए, हमने मंगलवार तक, हमारे साथी मीडिया साथी अंदर थे, हमने मंगलवार तक का, हमें फाइनल हो गया कि मंगलवार तक FIR नहीं हो, मंगलवार तक FIR हो जाएगी।